भी बंद। तो यहाँ भी देखेंगे जो इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये एक्स्ट्रा वाइटनिंग क्रीम के अंदर जाएंगे। इसके अलावा इसमें अल्फा रिब्यूटिन, ग्लूटाथियोन रिड्यूस, और उसके अलावा कॉजिक एसिड जाएगा, प्लस इसके अंदर एजिलिक जाएगा, कैलामाइन जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बेस के लिए संदल और अरीना कोड, बिल्कुल ओरिजिनल लेनी है आप लोगों ने, ओरिजिनल क्रीम होनी चाहिए। उसके बाद इसके अंदर जाएगी वाईसी कंपनी की क्रीम, की आप यहाँ से देख सकते हैं ये सारी क्रीम्स मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी। सीरम्स आएंगे, कुछ होममेड होंगे, तो जल्दी से इनको हम ओपन कर लेते हैं। ये सारी जो क्रीम्स हैं मैंने अनबॉक्स कर ली हैं, अब मैं इनको बाउल में निकालूंगी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। पहले संदल और अरीना कोड में निकालूंगी इस बाउल के अंदर। सारी जो क्रीम है वो मैंने निकाल ली है बाउल के अंदर। अब मैं इस वाली क्रीम को निकालूंगी, और क्लोबो वाइट यूज़ करनी है। मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ क्लोबो वेट नहीं लगानी, क्लोबो वाइट यूज़ करनी है विद कॉजिक एसिड नॉन स्टेराइडल। यहाँ पर ये सारी क्रीम मैंने अनबॉक्स कर ली है, दो मैं इसमें डालूंगी क्लोबो वाइट, बाकी ये मैं सारी क्रीम इसमें डालूंगी। ठीक है, देखिए ये सारी क्रीम्स मैंने इसमें निकाल ली। अब मैं 2 टेबलस्पून ग्लूकाडॉन इसके अंदर ऐड करूंगी। उसके बाद इसके अंदर जाएंगे 2 बायोकॉस के सीरम्स, और इसके बाद इसमें जाएगा पाउडर फॉर्म में ग्लूटाथियोन, अल्फा रिब्यूटिन, कॉजिक एसिड और हेलोरोनिक एसिड। ये 2 टेबलस्पून जाएंगे इसके अंदर। इसके अंदर अब मैं डालूंगी 3 पत्ते मिन्हा वाइटनिंग कैप्सूल्स के। ये देखिए, लोकल कैप्सूल्स नहीं लेने हैं आपने, यही यूज़ करना है। ये 1000 का एक पत्ता आता है मिन्हा वाइटनिंग कैप्सूल्स का, ये बहुत ही ज़बरदस्त मुझसे गिर गया है, बहुत ही ज़बरदस्त है ये कैप्सूल जो है, यही यूज़ करने हैं आपने। इसमें मैंने ऐड किया है कॉजिक एसिड, ग्लूटाथियोन, अल्फा रिब्यूटिन, हेलोरोनिक एसिड, सॉरी मैं उसका पार्ट शूट करना भूल गई थी। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बायोकॉस के सीरम, 2 जाएंगे इसके अंदर। ये अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमारी क्रीम जो है वो रेडी हो चुकी है, इसको अपने जार से फिलअप करूंगी।